समाचार राजकोटमांथी कि ज्यां वीरपुरमां हत्यानो मामलो सामे आव्यो छे। तालुका पंचायतना महिला उपप्रमुखना पतिए हत्या करी हती। महिला उपप्रमुखना पति राजू बारैयानी पोलीसे धरपकड़ करी छे। आरोपी राजू बारैया अने नितिन मकवाणानी पोलीसे धरपकड़ करी लीधी छे। वाड़ीए नौ शख्सोए धोका पाइप वडे मार मारता मौत निपजू हतुं। आरोपी राजू बारैया अने मृतक हितेन बारैया कौटुंबिक काका भत्रीजा थता हता। महिला उपप्रमुखना पति राजू बारैया अने नितिन मकवाणा फरार हता। मृतक राजू बारैयानी पुत्री साथे फोन पर बातचीत करतो होवानो खार राखीने हत्या कराई हती। तालुका पंचायतना महिला उपप्रमुखना पतिए हत्या करी हती अने ते बाद पोलीसे कार्यवाही करी छे। घणा समयथी महिला उपप्रमुखना पति राजू बारैया अने नितिन मकवाणा फरार हता, जे केसमां हवे कार्यवाही करवामां आवी छे। बाड़ीए नौ शख्सोए धोका अने पाइप वडे मार मारता हत्या करी नाखी हती, त्यारे हवे आ हत्याना मामलामां कार्यवाही करवामां आवी छे अने बे आरोपीनी धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। तालुका पंचायतना महिला उपप्रमुखना पतिए हत्या करी हती अने ते केसमां पोलीसे कार्यवाही करी छे। महिला उपप्रमुखना पति राजू बारैयानी पोलीसे धरपकड़ करी लीधी छे। राजू बारैया अने नितिन मकवाणानी धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। સંવાદદાતા નાસિર બોગાણી વધુ વિગત આપી રહ્યા છે, શું વિગત? જી, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે થોડાક દિવસ પહેલા જેતપુર તાલુકા પંચાયતના મહિલા ઉપપ્રમુખના પતિ સહિત નવ શખ્સોએ ધોકા અને બેજોગરી વ્યક્તિની હત્યા કરી હતી અને મુખ્ય આરોપી રાજુ બારૈયા અને નીતિન મકવાણા બંનેની ગઈકાલે ઘરેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આજે તેને રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। આભાર તમામ વિગતો બદલ। તો બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે।